हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के इसका इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले उस लेक्चर को देखें, इसके बाद अगर इस लेक्चर पे आए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि फाइंड द इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन वहां पर आपने जो स्टडी किया था वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की थी। यहां पर आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज गिवन, साइन इनवर्स -1/2। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं, दो तीन कई मेथड होते हैं इसको करने के। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो करें। देखिए, पहला साइन इनवर्स -1/2, हमने आपको बताया था कि अगर साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं -sin inverse x। ओके, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा मेथड हम इसके अकॉर्डिंग, देखिए हम इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो क्या करना होता, माइनस साइन आगे लगाना होता, तो माइनस साइन आगे लगा दिया। ओके, फिर क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये लगा दिया 1/2। माइनस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है π/6, तो ये हो गया आपका आंसर। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है, इसी को हम सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से करें, कोई फाउंडेशन नहीं है। इस साइन इनवर्स को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इधर बचेगा -1/2। इस साइन इनवर्स को जब इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में थीटा के साथ में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इनवर्स हट जाएगा, इक्वल टू -1/2। अब देखो, माइनस साइन अपनी जगह लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन अपनी जगह लगा दिया। अब चेक करेंगे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है π/60। तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू -sin π/6। लेकिन इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जब तक दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक कंपेयर नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला आपने 11th में ही पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा। अगर कहीं पर माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह ले सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, और अगर कहीं पर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो ये लिखा हुआ है, ये निगेटिव फंक्शन है, इसको हमें पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करा सकते हैं इस वैल्यू से। इसका मतलब हो गया कि जो माइनस का साइन पाई बाय 6 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6। ओके, देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब आप इसको कंपेयर करा सकते हैं, तो जब कंपेयर कराओगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/6। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप वर्किंग कर सकते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन वो आपका जो है वो MCQ में नहीं आता है, अगर MCQ में आता है तो ये आपकी ये मेथड बेटर है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन अगर वन नंबर में आपको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन देना है, तो सोल्यूशन देने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा और अच्छा रहेगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट गिवन है कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन ये क्वेश्चन गिवन है और इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वही आपको मेथड यूज करना है इक्वल टू पुट करेंगे थीटा के। ये जो आपका है ये थीटा के इक्वल है। ओके इस कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा रूट थ्री बाई टू और उधर हो जाएगा कॉस थीटा। जो रेशियो दे रखा होता है उसी रेशियो की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू है तो चेक करेंगे रूट थ्री अपॉन टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो रूट थ्री अपॉन टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है दैट इज पाई अपॉन सिक्स। कॉस थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू इक्वल में क्या दे रखा है कॉस थीटा। इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव कंपेयर करा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से फाइव बाई सिक्स। ओके एक मेथड ये हो गया आपका। इसके बाद आते हैं इसका फोर्थ पार्ट। थर्ड वाला पार्ट आप ट्राई करेंगे सिर्फ इजी है। इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री दो तरीके हैं। पहला मेथड यही है कि आप इसको डायरेक्ट फाइंड करें आंसर इसका। दूसरा है इसको सॉल्व करें तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो गिवन है ये आपका थीटा है। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू जो है वो थीटा है ये हमने लेट कर रखा है। अब देखो कैसे इस टेन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा आपका टेन थीटा। इधर क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री। ओके माइनस अब इधर हमारे पास रेशियो गिवन है टेन तो आपको ये चेक करना है कि टेन में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है। तो रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन में दैट इज पाई अपॉन थ्री। टेन सिक्सटी की जो वैल्यू होती है टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री। लेकिन अभी दोनों को कंपेयर नहीं करा सकते ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है तो निगेटिव को पहले बनाइए पॉजिटिव। तो क्या कर रहा हूं इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस फाइव बाय थ्री और ये हो गया आपका टेन थीटा। ओके कंपेयर कराएंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव बाय थ्री दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन है आपका कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू। इसको भी सॉल्व करेंगे लेकिन कैसे कंसीडर कर लेते हैं ये आपका थीटा दे रखा है। डायरेक्ट आंसर भी निकाल के दिखाएंगे आपको और इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू को रिट कर लिया हमने थीटा। इस कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ओके नाउ माइनस साइन अपनी जगह रखेंगे चेक करेंगे कि जो वन बाई टू लिखा हुआ है ये वन बाई टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो वन बाई टू कॉस में वैल्यू होती है कॉस फाइव बाय थ्री। कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन अपॉन। अब देखो फॉर्मूला चेक करते हैं अगर कॉस निगेटिव दे रखा है माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो माइनस कॉस थीटा को अगर हमें पॉजिटिव में लिखना है तो माइनस कॉस थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अगर कहीं पर भी माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। कहीं पर भी अगर आपको माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो उसको अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। आइए आपको ये क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू ये लिखा हुआ माइनस कॉस पाई बाई थ्री। माइनस कॉस पाई बाई थ्री हमें पॉजिटिव में चेंज करना है क्या करेंगे पाई माइनस थीटा करेंगे दैट मीन्स
cos of pi minus pi upon 3. cos theta is equal to cos of, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 3 pi minus pi, that means 2 pi upon 3. कंपेयर करा देंगे तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3. और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस है उसकी रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई. तो यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है 2 पाई अपॉन 3, ये 0 और पाई के बीच में लाई करेगा. ओके, तो ये हो गया इसका आंसर. अब इसका 6 पार्ट चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है tan इनवर्स माइनस 1. tan इनवर्स माइनस 1 ये क्वेश्चन दे रखा है. कंसीडर कर लेते हैं कि जो दे रखा है इसकी वैल्यू थीटा होगी. कितनी होगी? थीटा होगी. अब इस tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास tan थीटा इक्वल टू माइनस 1. क्या मिलेगा आपको? आपको हमने क्या बताया था, माइनस साइन जैसा जहां पर लिखा हुआ है वैसे उसको वहां पर ड्रॉप कर देंगे. जैसे माइनस साइन आएगा होगा तो ऐसे छोड़ देंगे. इधर हमारे पास रेशियो क्या है, टेन. इधर चेक करेंगे कि टेन में वन किसकी वैल्यू होती है. तो इधर ये वैल्यू होती है टेन पाई बाई फोर. टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन. तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर. ये पॉजिटिव ये निगेटिव कंपेयर नहीं कर सकते हैं. कंपेयर करने के लिए आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने आपको बताया था फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, उसको जरूर देखें आप. क्या था? टेन ऑफ माइनस पाई बाय, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा. माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा. ये आपने किया जब माइनस टेन पाई बाई फोर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर. ये वैल्यू हो गई टेन थीटा. अब दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड पॉजिटिव है, जब वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसको कंपेयर कर सकते हैं. दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई अपॉन फोर. ओके, दैट इज योर आंसर. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये आप सिर्फ ट्राई करेंगे. अगर इसमें कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसका हम सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. 11 गिवन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2. देखिए ये थ्री पार्ट्स रखे हैं. अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सिंगल सिंगल पार्ट दे रखे थे, यहाँ पर तीन पार्ट दे रखे हैं, तीनों को प्लस कर दिया. तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो इजी है. टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है होती है पाई अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2. इसको आप रफ में सॉल्व करके वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2 और प्लस ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, तो माइनस साइन आगे लगाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2. अब तो इजी हो गया. पाई अपॉन 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2. कॉस में 1 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती है, दैट इज पाई अपॉन 3. तो यहां पर रहेगा पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 वैल्यू होती है पाई अपॉन 6. ओके, नाउ सिंपलीफाई. पाई अपॉन 4, देखिए पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे तो ये मिलेगा 2 पाई अपॉन 3 और प्लस पाई अपॉन 6. इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम तो एलसीएम मिलेगा आपको 12. ओके, 12 इज डिवाइड बाय 4 तो आएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो मिलेगा 3 पाई प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4. 4 टू साइड 8 तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2 और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई.
सबको प्लस करेंगे तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, तो ये हो गया आपका 13 पाई अपॉन 12, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके सॉरी समथिंग इज रॉन्ग हियर, ये माइनस साइन है, आपको माइनस साइन का यूज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस, दैट इज रॉन्ग आंसर। 8 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और 6 प्लस 3 करेंगे तो मिलेगा 9 पाई अपॉन 12, नौ सिंप्लीफाई 3 3 9 और 3 4 12, दैट मीन्स फाइनल आंसर आएगा आपका 3 पाई अपॉन 4। ये माइनस साइन था, यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया था, दैट मीन्स आंसर आपका रॉन्ग हो गया था, तो उसको हमने चेंज किया हुआ है, माइनस माइनस एंड माइनस, नाउ इट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2 मतलब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज पाई अपॉन 3, तो cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा पाई अपॉन प्लस 2 into, ये लिखा हुआ sin इनवर्स 1/2, तो sin में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज पाई अपॉन 6, तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 दोनों को प्लस कर देंगे तो ये मिलेगा आपको 2 पाई अपॉन 3, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y देन, एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन आपका दे रखा है वो sin इनवर्स x की बात हो रही है, cos इनवर्स की बात नहीं हो रही है, sin इनवर्स की बात हो रही है, तो आपको मालूम है कि sin इनवर्स में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू होता है, जीरो से पाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो पाई दे रखा है, दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिसमें जीरो पाई दे रखा है, तो जीरो और पाई पर हम फोकस तब करते जब हमारा फंक्शन cos इनवर्स दे रखा हो, तो इस केस में ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, अगर cos इनवर्स होता तो फिर इन दोनों पर फोकस करते, क्योंकि जो cos इनवर्स की रेंज होती है वो जीरो और पाई के बीच लाई करती है, समझिंग ऐसे कुछ होता है, तो यहाँ पर जीरो पाई दे रखा है, लेकिन cos इनवर्स नहीं है, यहाँ पर sin इनवर्स है, और sin इनवर्स के लिए माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू समथिंग लाइक होता है, तो बात याद रखिए ये बच्चे हमारे पास बी और डी, तो बी और डी में कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे ये आपको चेक करना है। देखिए जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई टू, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका आंसर दे रखा है वो इनइक्वालिटी में दे रखा है, तो इनइक्वालिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भी आपको क्लास 11th में चैप्टर जो सेट दे रखा है उसमें बताया गया है इनइक्वालिटी क्या होती है, और एक आपका पर्टिकुलर चैप्टर भी दे रखा है इनइक्वालिटी का, तो साइन क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, आपके सामने ऐसे लिखा हो सकता है, इसकी जगह पर ये लिखा हो सकता है, ये जो ऑप्शन दे रखा है इसकी जगह पर ये लिखा हो सकता है, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं जीरो से पाई, सॉरी पाई सॉरी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये दो ऑप्शन आंसर हमारे पास दे रखे हैं, दो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, या तो एग्जाम में इस टाइप से दे रखा होगा, इस टाइप से दे रखा होगा, या फिर इस टाइप से दे रखा होगा, अगर इस टाइप से दे रखा तो आपको याद रहता है कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू जो है वो क्लोज ब्रैकेट में होता है, मतलब वैल्यू जो हमारी होती है इंक्लूडेड होती है, और ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये हमारी वैल्यू जो होती है इंक्लूडेड नहीं होती है, तो आंसर हमारे पास सही होगा, बी वाला सही होगा, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो हमारी इंक्लूडेड होती है, और वैल्यू जो होती है वो क्लोज ब्रैकेट में लिखी होती है। अब ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर क्लोज है या कहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, तो जहां पर ए इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू इक्वल साइन लगा हुआ है, वो वैल्यू हमारी इंक्लूडेड होती है, और वहां पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, जहां पर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा होता है वहां पर ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। Now we start question number 14. Question number 14 दे रखा है tan inverse root 3 minus a inverse minus 2. देखिए इसको कैसे करते हैं।
ये जो गिवन है आपका tan इनवर्स रूट थ्री, यहाँ पर tan इनवर्स रूट थ्री की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए रूट थ्री tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में रूट थ्री वैल्यू होती है पाई अपॉन थ्री, दैट मीन्स tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री, और 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन थ्री माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, जब माइनस साइन लगा होता है तो इसकी वर्किंग चेंज होती है, तो माइनस साइन लगा दिया और इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स टू, तो पाई अपॉन थ्री माइनस पाई माइनस। अब ये चेक करना आपको sec में टू किसकी वैल्यू होती है, तो sec में टू जो वैल्यू होती है वो होती है sec 60। अब sec 60 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, sec 60 को रेडियन में लिखेंगे पाई अपॉन थ्री, पाई अपॉन थ्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान रखें sec इनवर्स 2 जो होता है वो होता है पाई अपॉन 3, ये नेगेटिव था इसको पाई माइनस कर दिया, तो जब पाई माइनस कर देते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव करने के लिए इसको किया तो पाई अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस पाई और ये माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3 और माइनस पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का 3 पाई और प्लस का 2 पाई, दैट मींस ये बनेगा माइनस पाई अपॉन 3, दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो ये आपका एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन था, तो इस टाइप के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, लेकिन इजी तभी लगेगा जब इसका आप बेसिक क्लियर करेंगे, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसका बेसिक इंट्रो जरूर देखें तभी आप कर पाएंगे।